session and do not use the OBD audit for the oral care because it's increased the risk of the ARDS. Audit precaution is recommended to reduce the mechanical ventilation. It has no benefit about reducing the mortality of the TBI or reducing the nosocomial pneumonia. डॉक्टर वाईआर यादव, मैं जबलपुर मेडिकल कॉलेज में डायरेक्टर हूँ, न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट का हेड भी हूँ, डायरेक्टर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया जो न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन और दूसरी न्यूरो स्पेशलिटी की अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसका प्रेसिडेंट भी हूँ। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, एंडोस्कोपी पे आज आपका व्याख्यान है, क्या कहना चाहते हैं आप इस पर? एंडोस्कोपी एक ऐसी विधा है जिसमें छोटे से चीरे द्वारा ऑपरेशन किए जाते हैं और ऑब्वियसली जो बिना दूरबीन के जो ऑपरेशन होते हैं उसमें चीरा ज़्यादा होता है, तो चीरा ज़्यादा होगा तो उससे कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा होती है, दर्द ज़्यादा होगा, रिकवरी भी लेट होती है, जबकि दूरबीन से जो ऑपरेशन होते हैं वो छोटे चीरे द्वारा होते हैं, मरीज को तकलीफ अच्छी होती है और चूंकि आप अच्छा देख पाते हो दूरबीन से। मैं डॉक्टर राकेश सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ। जी डॉक्टर साहब बताएं। मेरी स्पेशलिटी जो है वो मैं यूके से ट्रेंड हूँ स्पाइन डिफॉर्मिटी में, तो मैं यहाँ प्रेजेंट करने वाला हूँ स्पाइन करेंट एंड फ्यूचर के लिए। जो स्पाइन में, चूँकि स्पाइन ऐसा फील्ड है जो कि स्पाइन सर्जरी पिछले अगर आप 3-4 साल की बात करें और आने वाले 10 साल में, तो इसमें ड्रास्टिक चेंज होने वाला है और पेशेंट आउटकम, बेसिकली एवरीथिंग इज गोइंग लाइक कि पेशेंट आउटकम क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी इम्प्रूव हो रही है और सेफ्टी क्या है। तो अभी मैं ये कह सकता हूँ कि वी आर इन द एरा स्पाइन सर्जरी ऑलमोस्ट चेंज हो चुकी है, बिल्कुल सेफ है और नेक्स्ट स्टेज जो है वो हमारा और इम्प्रूवमेंट वो मैं नहीं नहीं बताइए बताइए। फ्रॉम न्यूरो एब्लेशन टू न्यूरो मॉड्यूलेशन टू रीजनरेशन थेरेपी, द ट्रेंड ऑफ थेरेपी इज नाउ सर भी अपग्रेडेड हो रहे हैं। नहीं देखिए, हमारी टेम्परेट जोन है, हमारी जलवायु ऐसी है कि ये इसके अंदर मच्छर ग्रो बहुत करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि गैया गोबर करती है, जानवर गोबर करता है, तो उसका टेम्परेचर जो होता है वो इतना सूटेबल होता है कि उसमें मच्छर ग्रो करें। तो टेम्परेट जोन होने की वजह से मच्छरों की यहाँ पर पैदाइश बहुत ज़्यादा होती है। अमूमन जो होता है फीमेल जो इसमें मॉस्किटो होती है वही ज़्यादा बाइट करती है क्योंकि उसके पास बाइटिंग के बॉडी भाग होते हैं जिसकी वजह से वो बाइट करती है और वो खून से हमारा खींच करके दूसरों में ट्रांसमिट करती है। डेंगू के बारे में अगर आप हमसे बात करना चाहेंगे तो मैं ये कहूँगा कि ये अमूमन ना तो ये बच्चा बूढ़ा जवान किसी को नहीं छोड़ता, पहली बात। नंबर दो बात कि ये बीमारी पूरी है, पेरेनियल है, पूरे साल रहती है, लेकिन रेनी सीज़न और रेनी सीज़न के बाद यानी कि पीक पीरियड जो होता है वो जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर अक्टूबर तक जाता है, ये पीक सीज़न होता है, लेकिन रहता है ये पूरे साल। कोविड के समय में भी हम लोग के सामने ये समस्या आती थी, लेकिन उन दिनों क्या होता था कि लोग बाग ज़रा कम बाहर निकलते थे इसलिए, और रिपोर्टिंग कम हुई तो हम लोगों को एक फॉल्स सेंस ये आया कि डेंगू कम हो गया। वास्तविकता ये थी कि डेंगू और कोविड दोनों साथ साथ चल रहे थे, ओनली रिपोर्टिंग कम हो गई थी स्टैटिस्टिकल, इसलिए ऐसा महसूस हुआ ये फॉल्स डेटा थे। क्यों इस तरह के मामले आए और लोगों ने कहा, ये भी कहा कि डेंगू नहीं कुछ और ही हो सकता है, ऐसी धारणाएँ थी? देखिए, ये एक बात बड़ी मॉडर्न साइंसेस की ये है कि जो वायरस है, जो कैरियर है एडीज एजिप्टी मॉस्किटो होता है, ये इसके द्वारा ही फैलाया जाता है और डेंगू वायरस एक आरएनए वायरस है। मॉडर्न साइंसेस जो होती है वो एविडेंस बेस्ड होती है, तो अगर डेंगू है तो डेंगू है, मलेरिया है तो मलेरिया है, चिकनगुनिया है तो चिकनगुनिया है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। इट इज़ द क्वेश्चन हाउ यू मेक अ डायग्नोसिस एंड इंटरप्रेट योर रिजल्ट्स। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।